अफवाज पाकिस्तान में होने वाली हालिया तकरर और तबादलों ने भारत को परेशान कर दिया है। साबिका DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पेशावर 11 कोर का कमांडर तैनात किया गया, जिसके बाद अब उनके आर्मी चीफ बनने के इम्कानात रोशन हुए तो भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है और चीखों की आवाज़ें सरहद पार भी सुनाई दे रही हैं। भारतीय मीडिया जनरल फैज हमीद से बहुत ज़्यादा डरता है और इसी बायस जब जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे थे उस वक्त भी भारतीय मीडिया की चीखों पुकार आसमान से बातें करने लगी थी, और अब जब उन्हें DGISI के ओहदे से पेशावर कोर का कमांडर तैनात किया गया है और उनके नए आर्मी चीफ बनने के इम्कानात रोशन हुए तो भारतीय मीडिया में किस तरह खलबली मच गई है, आज की वीडियो में आपको तफसीलन आगाह करेंगे। याद रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा की पहली मुद्दत मुलाजमत 2019 में ख़त्म हुई, जिसके बाद उन्हें 3 साल की तौसी दी गई। उनकी आइंदा मुद्दत मुलाजमत 2022 नवंबर के महीने में ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद सीनियरिटी के लिहाज से जनरल फैज हमीद ही सबसे सीनियर जनरल होंगे। लेकिन इस दौरान मसला ये दरपेश आ रहा था कि उन्होंने बराह रास्त किसी भी कोर की कमांड नहीं की थी, लिहाजा इस मसले को ख़त्म करने के लिए जनरल फैज हमीद को DGISI के लिए अहल हो जाएंगे। और कुछ हल्के ये बात वाजे तौर पर बता रहे हैं कि साबिका DGISI और मौजूदा पेशावर 11 के कोर कमांडर जनरल फैज हमीद को ही नया आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। अब नए आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद से भारत को क्या मसला है, ये इंतहाई अहम सवाल है। याद रहे कि जब हाल ही में अफगानिस्तान पर अमारात इस्लामी हुकूमत कायम होने से पहले जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे तो भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया था। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें चलाई गईं कि पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज हमीद ने काबुल में तालिबान हुकूमत बनाने में मदद फ्राहम की है, जबकि वहाँ पर मुकामी ग्रोहों की लड़ाई में भी जनरल फैज हमीद ने सुलह करवाई है। इसके अलावा पंजशीर महाज के हवाले से भी भारतीय मीडिया ने जनरल फैज हमीद को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जनरल फैज हमीद ने पंजशीर में तालिबान को फतह दिलवाने के लिए मदद की है। अब जब जनरल फैज हमीद की बतौर पेशावर कोर कमांडर तैनाती की गई है तो इसके बाद अब भारतीय मीडिया ये समझ चुका है कि जनरल फैज हमीद अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो भारत के लिए कई नई मुश्किलात खड़ी हो सकती है। उन्हें खास तौर पर ऐसी कोर में तैनात किया गया है जो कि पेशावर 11 कोर कहलाती है और ये बराह रास्त अफगानिस्तान के सबसे करीब कोर है, लिहाजा अफगानिस्तान से भारत को एक बार फिर अपने लिए हालात मुश्किल होते नजर आ रहे हैं कि जब तक जनरल फैज हमीद कोर कमांडर रहेंगे उस वक्त तक भी भारत अफगानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, और बाद ऐसा भी उनके आर्मी चीफ बनने के बाद भी भारत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। बना दिया गया है ये बड़ी खबर पाकिस्तान से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फैज हमीद को बनाया गया है 11वीं कोर का कमांडर और फैज हमीद को बनाया जाएगा पाक सेना का प्रमुख। बड़ी खबर इस वक्त की, फैज हमीद को पाक सेना का प्रमुख बनाया जाएगा, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फैज हमीद को 11वीं कोर का कमांडर बना दिया गया है।